डिजास्टर के ऊपर बेस्ड ऑफ 5 बलकानो मूवीज़ को आज इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। इन मूवीज़ इतनी टॉप नॉच है कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ सकती है। इन मूवीज़ को आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा अगर आपको कुछ बेहतरीन मूवीज़ को देखना है तो। मूवीज़ हिंदी में डब्ड है तो वीडियो को एक लाइक कर देना एंड इसी तरह की बेस्ट मूवीज़ के लिस्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो लेट्स स्टार्ट। आज के हमारे इस काउंटडाउन में नंबर 5 पर रहती है स्काई फायर। मूवी आई थी 2019 में। एक चाइनीज बॉलकानो बेस्ड एक्शन थ्रिलर मूवी है जो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। कहानी की शुरुआत होती है एक यंग साइंटिस्ट से जो अपनी टीम के साथ एक ट्रॉपिकल आइलैंड पर एक ज्वालामुखी को डिस्कवर करती है जो कि बहुत ही जल्द फट सकता है। वो इसकी चेतावनी उस आइलैंड के मालिक को देती है क्योंकि उस आइलैंड पर एक थीम पार्क बनी है जहाँ टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। लेकिन उस थीम पार्क के ओनर बहुत ही लापरवाह है, वो इस वार्निंग को नजरअंदाज कर देता है। लेकिन बहुत ही जल्द वो ज्वालामुखी फट जाता है, पूरे आइलैंड में एक केओस शुरू हो जाता है। लोग अपने जिंदगी बचाने के लिए संघर्ष शुरू कर देते हैं और वह साइंटिस्ट और उसकी टीम उस विनाश के बीच कैसे खुद को लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं, ये मूवी के अंदर देखना है। मूवी हिंदी में डब्ड है। इस मूवी को IMDb पर 5.2 की रेटिंग मिला है। तो आज के इस लिस्ट में नंबर 4 पर आती है एशफॉल। मूवी आई थी 2019 में। एक साउथ कोरियन बॉलकानो मूवी है जो बहुत ही अमेजिंग है। कहानी की शुरुआत होती है चाइना एंड नॉर्थ कोरियन सीमा पर 2744 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बेकेडू माउंटेन पर एक ज्वालामुखी फूटता है। वो ज्वालामुखी 1903 से पूरी तरह से स्थिर था। उस बॉलकानिक डिजास्टर से नॉर्थ एंड साउथ कोरिया पूरी तरह से तबाह होना शुरू हो जाती है। दोनों देशों की ट्रेन प्रोफेशनल एक साथ आते और सब मिलकर कोरियाई प्रायद्वीप को खतरे में डालने वाली उस विनाशकारी आपदा को रोकने का प्रयास करते हैं। मूवी बहुत ही अमेजिंग है एंड ये मूवी हिंदी में डब्ड है। IMDb पर इस मूवी को 6.2 की रेटिंग मिला है। नंबर 3 पर आती है फ्लाइट क्रू। मूवी आई थी 2016 में। एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग बॉलकानो मूवी है जिसमें बहादुरी, आत्मबलिदान और ह्यूमन डिग्निटी की कहानी प्रकृति की निर्दय शक्ति द्वारा पर की जाती है। कहानी की शुरुआत होती है एक यंग पायलट से जिसे एक ऑर्डर को ना मानने के कारण एयरफोर्स से निकाल दिया जाता है एंड उसे एक सिविल एयरलाइन में को पायलट का नौकरी मिल जाती है। एशिया की उड़ान के दौरान उस फ्लाइट के क्रूज को एक बॉलकानिक आइलैंड से एक डिस्ट्रेस मैसेज मिलता है और वह रेस्क्यू मिशन का प्रयास करने का निर्णय लेते हैं एंड वह फ्लाइट पहुंच जाता है उस आइलैंड पर। वह आइलैंड पूरी तरह से तबाह होने की कगार पर है। लोग जिंदगी बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसी टफ सिचुएशन में क्या वो अपने रेस्क्यू मिशन में सक्सेस हो पाएंगे या नहीं, ये मूवी के अंदर देखना है। मूवी हिंदी में डब्ड है। इस मूवी को IMDb पर 6.6 की रेटिंग मिला है। तो आज के इस काउंटडाउन में नंबर 2 पर आती है बॉलकानो। मूवी आई थी 1997 में। एन एक बहुत ही अमेजिंग बॉलकानो बेस्ड डिजास्टर मूवी है। कहानी की शुरुआत होती है एलए से जहां एक माइनर अर्थक्वेक आता है जिसके बाद अंडर सिटी में बॉलकानो इराप्ट हो जाता है। धीरे धीरे पूरा शहर उस बॉलकानो के जाल में फंसने लगता है। चारों तरफ तबाही और भयानक मंजर। लावा बहकर पूरे सिटी को निगलने लगता है। सिटी के मेयर इमरजेंसी घोषित कर देते हैं। एक जियोलॉजिस्ट मैनेजमेंट सर्विस के साथ मिलकर लावा को रोकने की कोशिश करता है जो एलए शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है। क्या वो लोग लावा को रोकने में कामयाब होंगे, ये मूवी के अंदर देखना है। मूवी हिंदी में डब्ड है। इस मूवी को IMDb पर 5.5 की रेटिंग मिला है। तो आज का हमारे इस काउंटडाउन में फाइनली नंबर 1 पर आती है डेंटिस्ट पीक। मूवी आई थी 1997 में एंड एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलकानो मूवी है जो आपको बहुत पसंद आ सकती है। कहानी की शुरुआत होती है एक बॉलकानोलॉजिस्ट से जो अमेरिका के ग्रामीण इलाके में आता है। ये जगह अमेरिका के सेकंड मोस्ट डिजायरेबल प्लेस है और इस जगह पर हजारों लोग रहते हैं। उस बॉलकानोलॉजिस्ट को पता चलता है कि बहुत लंबे समय से निष्क्रिय ज्वालामुखी जिसे डेंटिस्ट पीक कहा जाता है वो किसी भी समय जाग सकता है। वो सिटी काउंसिल को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उस प्लेस को जितनी जल्द हो सके खाली करा दे, बट विदाउट एनी वार्निंग वो ज्वालामुखी फूट जाता है और पूरे इलाके को तबाह करना शुरू कर देता है। आगे क्या होता है, लोग किस तरह से खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, ये मूवी के अंदर देखना है। मूवी हिंदी में डब्ड है। इस मूवी को IMDb पर 6/10 की रेटिंग मिला है। यह था आज के टॉप 5 बॉलकानो बेस्ड मूवीज का लिस्ट। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट कर देना और आने वाली और भी टॉप मूवीज के लिस्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे।